दिल्ली में हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने का नतीजा यह है कि दिल्ली के कई इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। यह वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पर है, यह वीडियो दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके का है जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर NDRF की टीम को तैनात किया गया है। स्थिति को काबू में लाने के लिए तमाम अधिकारी और NDRF की टीम जुटी हुई है। जिन जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य लगातार जारी है। वहीं सरकारी एजेंसियों की माने तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को 207.83 मीटर के जलस्तर तक पहुंच चुका है और इस तरह से 1978 का 207.49 मीटर का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और इसी का नतीजा है कि बढ़ते जलस्तर के कारण 1978 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिल्ली के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। यमुना का जलस्तर रविवार पूर्वाह्न 11 बजे 203.14 मीटर था, जो सोमवार शाम बढ़ते हुए 205.4 मीटर पहुंच चुका है। वहीं यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान से बढ़ने की उम्मीद 18 घंटे पहले ही की गई थी। वहीं अब वर्तमान स्थिति में बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे ही यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 208.48 मीटर का यह जलस्तर शाम 4 बजे तक बढ़ते हुए 208.75 मीटर तक पहुंच जाएगा, जिससे स्थिति और भी भयावह हो सकती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्त